बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वेस करनी, IBA JEST HM एंड USE टीचर अलबिना। सो टुडे वी आर कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज फॉर द एयर डायरेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सो जी, आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द रूल नंबर 6। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 5 रूल्स। तो जी, आज नंबर 6 रूल क्या कहता है? व्हेन द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और, ठीक है, नॉर, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर जी सब्जेक्ट्स किससे ज्वाइन हो रहा है, और से या नॉर से? कलेक्टिव नाउन हमने पढ़ा है जी, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, विच शोज अ कलेक्शन ऑफ नाउन और विच शोज अ कलेक्शन इन अ ग्रुप। तो जी, कलेक्शन नाउन टेक्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन टॉक्ड ऑफ एज अ होल। ठीक है, जब भी और नॉर के बाद आपका कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा और वो बात कर रहा होगा सब सारों की एक होने की, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? आपका जो सब्जेक्ट वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ होगा। एंड अ प्लूरल वर्ब, और आप प्लूरल कब यूज़ करेंगे? व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ इट। जब आप हर एक शख्स के बारे में बात करेंगे और हर शख्स एक दूसरे से डिफरेंट होगा, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। ठीक है जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो है ये रूल है। इसको एग्जाम्पल्स में देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइधर आइधर दे और आई आर मिस्टेकिन, आइधर दे और आई आर मिस्टेकिन। अब जी यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है, आर आना है या एम आना है? तो अब सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पास जो पर्सन्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, पर्सन्स जो हैं डिफरेंट है, तो वर्ब एग्री करेगा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा। तो लास्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ पे आए, तो आए के साथ का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। आई का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। तो यहाँ पे राइट होगा एम। ठीक है, पीछे अगर हमने जो पढ़े हैं वो सिंगुलर वन पढ़े हैं। ठीक है, पिछले वाले रूल्स को इसके साथ मिक्स नहीं करेगा। अगर आप मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर किसी भी रूल के अंदर कंफ्यूजन होती है तो काइंडली उसको दोबारा जाके उसका वीडियो देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और नोट्स को दोबारा उठा के देखिए। आपको ये ऐसे ही मिलते जुलते रूल्स लग रहे होंगे, बट हर रूल दूसरे रूल से अलग है। ठीक है जी, तो आइधर के बाद एक डिफरेंट पर्सन्स आ गए, देर आर 3 पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, आपको पता है। तो आइधर दे और आए के बाद एम आना है, लास्ट वाला जो आपका प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से आप यूज़ कर देंगे क्या जी आपका वर्ब। नाइधर शी नॉर दे इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ, नाइधर शी नॉर दे इज़ स्पीकिंग द ट्रुथ। तो दे कहाँ आ रहा है जी? नॉर के बाद आ रहा है। तो अब दे के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, एंड वी कैन यूज़ द हेल्पिंग वर्ब अलॉन्ग विद द दे विच इज़ आर। तो हम आर के साथ आर यूज़ कर देंगे। ठीक है जी, तो ये था रूल नंबर 6। अब हम रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन वी टॉक ऑफ एज अ होल एंड अ प्लूरल वर्ब व्हेन वी टॉक ऑफ ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इट। ये जी बड़ा ही आसान सा रूल है, इसको एग्जांपल्स में देखते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। द कमेटी हैज चूजन इट्स प्रेजिडेंट, द कमेटी हैव चूजन, मैं जो है सही पढ़ गया था, बहरहाल जी रॉन्ग वन पढ़ना था मुझे। द कमेटी हैव चूजन इट्स प्रेजिडेंट। तो अब यहाँ पे कमेटी ने क्या किया जी? चूज कर लिया किसे जी? प्रेजिडेंट को। कमेटी क्या है हमारे पास जी? कलेक्टिव नाउन है। कमेटी क्या है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन है। तो अब जी कलेक्टिव नाउन का क्या है? एक मुत्तफिका फैसला है। द कमेटी हैज़ मेड द कंसेंसस दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया? मुत्तफिका फैसला किया है, वो डिवाइड नहीं हुए। तो अगर मुत्तफिका फैसला करेंगे तो फिर आप इसके साथ कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा सिंगुलर। द कमेटी हैज़ चूजन इट्स प्रेसिडेंट। अगर यहीं पे होता कि जी कमेटी जो है वो डिवाइड हो चुकी है या कमेटी ने अपना प्रेसिडेंट चूज़ नहीं किया, चलें इसको नेगेटिव करते हैं, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। द कमेटी
हैज़ नॉट चूजिंग इट्स प्रेजिडेंट। ठीक है, अब जो कमेटी है उसने चूज़ नहीं किया ना, मतलब कमेटी डिवाइड हो गई है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, द कमेटी हैड सॉरी जी द कमेटी हैव नॉट चूजिंग देयर प्रेजिडेंट। अब वहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गई, तो कमेटी जब डिवाइड होगी तो फिर आपका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और अगर कमेटी का फैसला एक है तो फिर आपका जो वर्ब होगा वो होगा सिंगुलर वन। अब यहाँ पे इट आ रहा है, इट क्योंकि ये इसकी कमेटी की तरफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कमेटी क्या है, सिंगुलर वन है। और अगर यही सेंटेंस इस तरह हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द कमेटी हैव नॉट चूजिंग ठीक है देयर प्रेजिडेंट, ये इस तरह सेंटेंस होगा फिर, अगर कमेटी अपना प्रेजिडेंट चूज़ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे चूजिंग देयर यूज़ होगा, इट नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इट हम कभी यूज़ कर रहे थे जब कमेटी क्या थी, यूनाइट थी। अब कमेटी डिवाइड हो चुकी है तो यहाँ पे भी प्लूरल वन आएगा ना, तो इट हमारे पास सिंगुलर वन है, तो इस वजह से यहाँ पे देयर यूज़ होगा। होपफुली क्लियर हो चुका होगा आपको। द कैटल इज़ ग्रेजिंग, अब यहाँ पे द कैटल इज़ ग्रेजिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कैटल है वो जो एक ग्रुप है, ग्रुप को शो कर रहा है ना, तो ग्रुप के साथ यहाँ पे कलेक्टिव नाउन तो है बट बहुत सारी बकरियाँ हैं, तो अब यहाँ पे आप यूज़ करेंगे आर। क्या यूज़ करेंगे जी, आर यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 हमें क्या कहता है, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे रूल नंबर हमारे पास 8 ये कह रहा है कि कुछ नाउन आपके पास प्लूरल होते हैं किसके अंदर, वैसे विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो फॉर्म के अंदर प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, बट जो उनकी मीनिंग होती है वो सिंगुलर वर्ब बनती है, तो उनके साथ आप जो वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, विच इज नॉट फ्रीक्वेंटली वी कैन मोस्टली एक्सपीरियंस्ड, कि मतलब हमें बहुत कम मिलता है कि मैथमेटिक्स जो है किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, बट है लोगों का, दैट्स व्हाई द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग द 4-year डिग्री इन द मैथमेटिक्स। ठीक है जी, तो मैथमेटिक्स क्या है हमारे पास, मैथमेटिक्स है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, तो अब लास्ट में तो ऐसा आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, प्लूरल इन फॉर्म लग रहे हैं प्लूरल बट वो एक्चुअल क्या है, सिंगुलर। तो इस तरह के जो आपके पास क्या होते हैं जी, नाउंस होते हैं, इफ दीज टाइप्स ऑफ नाउंस आर यूजिंग इन सब्जेक्ट देन योर वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स भी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है विच इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो स्टैटिस्टिक्स वायरस डेटा शोज दैट इंडिया इज स्टिल अ पुअर कंट्री। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का इधर मतलब जो है वो कोई भी आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है डिफरेंट डेटा, मतलब बहुत अलग अलग डेटा। तो जब बहुत अलग अलग डेटा की बात होगी तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, फिर आप सिंगुलर वन यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स शो दैट इंडिया इज स्टिल अ पुअर कंट्री। अब दोनों के अंदर कोई फ़र्क दिखा आपको, ठीक है, बिल्कुल दिखा। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जी स्टैटिस्टिक्स को आपने समझा सिंगुलर वन, दैट्स वाई यू आर पुटिंग एस, ठीक है, बट यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंगुलर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल वन, देन यू कैन नॉट पुट एस इन द वर्ब, तो फिर आपने यहाँ पे जो एस है वो ऐड नहीं करना। ठीक है जी, अगर बात हो द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स शोज इट्स ब्रिलियंट एक्सपीरियंस या इट्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट को शो करेगा तो फिर तो होगा सिंगुलर वन, बट यहाँ पे वेरियस डेटा मतलब बहुत अलग अलग डेटा के बारे में बात हो रही है, तो फिर यहाँ पे जो आपका वर्ब होगा वो सिंगुलर वन नहीं होगा। आगे चलते हैं जी रूल नंबर 9 की तरफ। रूल नंबर 9 क्या कहता है, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ इन एडिशन टू एज वेल एज आर सप्लीमेंट्री एंड डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब। बड़ा ही कमाल का ये जो है एरर डिडक्शन है, अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज कर देता है। क्या कहता है जी ये कहता है वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ और जी एज वेल एज। अब जी यहाँ पे क्या कह रहा है, और इन एडिशन टू, ठीक है जी, तीन वर्ड्स हैं, तीन वर्ड्स के साथ अगर आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं,
तो आपका जो वर्ब के नंबर्स के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। किस तरह जी, ये एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ आएगा, ऐसे रूल को पढ़ने से हमें समझ नहीं आता, ठीक है जी। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द प्रिंसिपल, ठीक है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट प्रिंसिपल का मतलब उसूल होता है। द प्रिंसिपल विच इज़ द पावरफुल पोस्ट और अ पर्सन हु इज़ एडमिनिस्ट्रेटिंग द होल इंस्टीट्यूट, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो जी जो द प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है, ठीक है जी, द प्रिंसिपल आपके पास जो है वो एक बड़ा पावरफुल जो बंदा होता है जो इंस्टीट्यूट चलाता है। अब द प्रिंसिपल के बाद वर्ड कौन सा आया है जी, अलोंग, कौन सा वर्ड आया है, अलोंग, एज वेल एज भी आता है, विथ भी आता है और अलोंग भी आता है। ये तीन वर्ड्स आपने याद करने, ठीक है, विथ है, एज वेल एज है और अलोंग है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नहीं है बट एग्जांपल के अंदर है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अलोंग विथ, अब अलोंग के साथ विथ आ गया, अलोंग विथ ऑल द टीचर्स हैव कम। तो अब अगर देखने वाला बोलेगा वो तो बोलेगा जी देखें जी यहाँ पे हमारे पास वर्ब है और वर्ब से पहले हमारे पास ऑल द टीचर्स, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो जी प्लूरल हो गया, तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए वो हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। बट जी ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है, देखें जी तब हमारे पास रूल है कि अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ या एज वेल एज या इन एडिशन टू, जब भी ये तीनों वर्ड्स के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा तो आपका जो वर्ब जो एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा वो होगा फर्स्ट वन सब्जेक्ट के साथ। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा सिंगुलर, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लूरल। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ ऑल द टीचर्स हैज कम, ठीक है, बड़ी काम का इंट्रोडक्शन है ये, खास तौर पर याद रखिएगा, ठीक है। द पिज़्ज़ा एज वेल एज द केक टेस्ट गुड, ठीक है, अब आपने क्या समझा जी, द पिज़्ज़ा है और उसके साथ केक है, तो ये दोनों हो गए प्लूरल, इसकी वजह से आप यहाँ पे ऐसा ऐड नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वन देन वी कैन ऐड पुट वी कैन ऐड और पुट एस और ई एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। तो अब यहाँ पे द पिज़्ज़ा एज वेल एज द केक, तो अब बेशक यहाँ पे एज वेल एज केक बनाना जूस कुछ भी लिखा होता तो हमने जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यूज करना था, ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से मैं आपको एक और सिचुएशन बता देता हूँ, वो सिचुएशन क्या है, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो, ठीक है जी, किस तरह हम कुछ इस तरह करते हैं, द, ठीक है, द टीचर्स, मैं लिखा हुआ नहीं था, मैंने आगे देखा बट वैसा लिखा हुआ नहीं है, मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो मैं जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ इस तरह लिखा हो तो फिर आपने क्या करना है, द टीचर्स अलोंग विथ प्रिंसिपल, द टीचर्स अलोंग विथ प्रिंसिपल हैज या जो भी हो डैश ईटिन, ठीक है, अ पिज़्ज़ा, ठीक है, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं जी, एक ही पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पाकिस्तान में तो ऐसा ही होता है। बहरहाल जी हम चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ, द टीचर्स, अब यहाँ पे जो द टीचर्स हैं वो क्या है, देखिए द टीचर्स अलोंग विद प्रिंसिपल, अब यहाँ पे पहले प्लूरल आ गया और प्रिंसिपल आ गया सिंगुलर। अब बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है योर वर्ब इज़ ऑलवेज इन अ एग्रीमेंट ऑफ योर फर्स्ट सब्जेक्ट, योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा, और अगर यहाँ पे टीचर होता तो वो तो यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है। बात आई समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आपका वर्ब यूज़ होना है, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए जी आखिरी रूल आज का पढ़ते हैं, आखिरी रूल क्या है, क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट is a relative pronoun, ठीक है जी, relative pronoun पढ़ा था, antecedent क्या होता है आपको पता चल चुका होगा, a noun which is used before a relative pronoun is called antecedent, verb should agree in number or person with antecedent, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि if the relative pronoun is used in a sentence then your verb is always agree with the antecedent, किस तरह जी, ये देखें जी,
काइंडली जी रिलेटिव, अगर रिलेटिव प्रोनाउन में कोई कन्फ्यूजन हो रही है काइंडली जाएँ रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना है। ठीक है जी, अब सेंटेंस पढ़ते हैं हम। आई हु इज़ योर फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट टू यू। अच्छा जी, अब ये लग तो आपको बिल्कुल सही रहा है, बट जी इसमें गलती है। क्यों? क्योंकि ये हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हु इशारा कर रहा है आई की तरफ, हु इशारा कर रहा है आई की तरफ, तो आई क्या है इधर? एंटीसीडेंट। अब जो आपका वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू योर एंटीसीडेंट यूज होगा, तो अब यहाँ पे हु के बाद इस कैसे यूज होगा? आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। तो आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू, आई एम ऑनेस्ट टू यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये दो सेंटेंस हैं असल में। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं नाउन अपोजिशन। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? नाउन अपोजिशन। तो नाउन अपोजिशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या होता है नाउन अपोजिशन के अंदर? ये जो है वो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू, असल में ये दो सेंटेंस है। किस तरह जी? आई एम ऑनेस्ट टू यू, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम ऑनेस्ट टू यू, ये दो सेंटेंस थे, बट हम इसको इस सिचुएशन में नाउन अपोजिशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कन्फ्यूज कभी नहीं होना। नाउन अपोजिशन होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान दो कॉमा आते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द सब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द बुक विच यू गेव मी इज लेइंग ऑन द टेबल, द बुक विच यू गेव मी इज लेइंग ऑन द टेबल, तो ऐसे क्यों जी? ठीक है, विच यहाँ पे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। विच यू गेव मी, ठीक है, अब विच यू गेव मी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो अब यहाँ पे ये क्या है? द बुक्स जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे जी जो आपका वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू योर एंटीसीडेंट आएगा और वो है आर। तो जी होपफुली आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको इंटरेस्टिंग जो है एरर रिडक्शंस के रूल मिल रहे होंगे, ख़ास तौर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टेस्टों के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। काइंडली जी प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।